हाय गाइस, अर्थविदा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्री बेसिकली क्या है? ये बिजनेस में जो डे टू डे लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री चैप्टर अकाउंटेंसी का एक बेस चैप्टर है। अगर हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो अकाउंटेंसी के आगे के चैप्टर्स जो हैं वो हमको बहुत इजी हो जाता है। देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए हमने अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तीन पार्ट्स में इसके रूल्स हैं, तीन अकाउंट्स के बेसिस पे इसको रूल है। एक तो हमारा है पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। लेकिन उसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट्स में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जिसमें किसी का नाम आए, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आए, कंपनी का नाम आए, फर्म का नाम आए या पर्सन का नाम आए। एनी पर्सन, पर्सन नेम, एनी फर्म नेम, एनी कंपनी नेम और इंस्टीट्यूशन नेम, एनी इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनी और पर्सन का नेम। ओके, अब रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आते हैं? रियल अकाउंट्स में एनी टाइप ऑफ एसेट्स, किसी भी तरह की एसेट्स होती है वो सारी हमारी आती है रियल अकाउंट्स में। ओके, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रूल, क्या अकाउंट्स आते हैं हमारे पास में? एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। किसी भी तरह की हमारे एक्सपेंसेस होगा वो हमारे पास आएगा, लॉसेस होगा वो आएगा, इनकम होगा और प्रॉफिट होगा वो हमारे सारे अकाउंट्स आएंगे नॉमिनल अकाउंट्स में। ओके गाइस, गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मैंने जर्नल एंट्री का एक डिटेल वीडियो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, इसमें आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें जर्नल एंट्री के अलग अलग तरह के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इसको वहाँ पे सॉल्व करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। और इसमें जर्नल एंट्री क्यों की जाती है, जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, कब की जाती है, कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मैंने एक अच्छे से एग्जांपल लेकर के उसको वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। आप चाहे तो उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है रूल ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का क्या रूल्स है? इन अकाउंट्स के बेसिस पे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे यहाँ पे रूल्स हैं। रूल्स में सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे रिसीवर कौन है, तो वो उस रिसीवर जो होगा उसको हम डेबिट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी एसेट्स, जो भी सामान हमारे पास में, जो भी आइटम हमारे पास में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। ओके, ये हमारा रूल्स है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे पास में डेबिट होंगे। ये सारे रूल्स हैं हमारे पास में। डेबिट के क्या रूल्स हैं? ये सारे डेबिट्स के रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर। रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके गाइस, अब देखिए डेबिट का जो भी रूल है, ये सारे डेबिट्स के जो भी रूल है, इसमें जो डेबिट के जितने जिस जिस बेसिस पे हमने जिस चीज़ों को डेबिट किया हुआ है और इसी बेसिस पे जस्ट उसका अपोजिट जो होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, मीन्स जैसे यहाँ पर रिसीवर को हमने डेबिट किया हुआ है पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पर हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। अब रियल अकाउंट में हमने डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो चीज़ आई है उसको हमने डेबिट किया हुआ है, तो रियल अकाउंट में जो चीज़ से हमारे पास में जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट का रूल होगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, मीन्स जस्ट इसका अपोजिट। डेबिट का जो अपोजिट होगा रूल्स 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 में, उसका हम यहाँ पे उसको क्रेडिट में अप्लाई कर देंगे। डेबिट का जो रूल है उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट का रूल बन जाएगा। तो फाइनल रूल बन गया पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट का हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट रूल आएगा उसमें क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट। गाइस, जर्नल एंट्री करने से पहले हम इसका कॉलम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री में पांच कॉलम होते हैं जर्नल बनाते समय। एक तो डेट का कॉलम हो गया, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, लेजर फोलियो का कॉलम हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया, अमाउंट का दूसरा कॉलम हो गया। एक अमाउंट का कॉलम डेबिट का कॉलम होता है और एक अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब इसको कैसे करते कैसे हैं, अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस ट्रांजेक्शन्स में कौन सा रूल हमको अप्लाई करना है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सके
क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कैसे, क्या बोल रहा है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10 लाख एंड मशीनरी ₹5 लाख। 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाया है प्रोपेटर ने और 5 लाख रुपीज़ की मशीन प्रोपेटर ने बिजनेस में लगाया है। इंट्री करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस डेट को बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया होगा वो डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये देखना है कि बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। जनरल एंट्री करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है और बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे, ना कि प्रॉपर्टर के पास में क्या चीज़ आ रहा है या किसी और के पास में क्या चीज़ आ रहा है, किसी और के पास से क्या चीज़ आ रहा है उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एंट्री करते समय ये देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है उस ट्रांजेक्शन से, उस लेन देन से, और क्या चीज़ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टर ने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ लगाए और 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी लगाई हुआ है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़ आएगा, रियल अकाउंट का रोल अप्लाई करेंगे। क्या चीज़ आया बिजनेस में, जब प्रोवाइडर ने बिजनेस में कैश लगाया और मशीनरी लगाई, तो ये दो चीज़ आ गया बिजनेस में। कैश आ गया 10 लाख रुपीज़ से, मशीनरी आ गई 5 लाख रुपीज़ से। ओके, तो कैश आया, कैश विल बी डेबिट, मैंने आपको बताया रियल अकाउंट का रोल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट में रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, ओके, मशीनरी आ गया, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच 10 लाख से 5 लाख से, ये एंट्री मैं अमाउंट यहाँ पर डाल रहा हूँ थाउजेंड्स थाउजेंड्स में, टेन लाख से हो गई। इसके बाद दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी है। ओके, अब यहाँ पे गया क्या, मैंने आपको जैसे बताया डेबिट पर्सन रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है हमारे पास से, जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जा तो कुछ रहा नहीं है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अप्लाई जा क्या रहा है, तो जाने में यहाँ पे किस कुछ तो है नहीं है, तो हम एक्सपेंसेस भी नहीं है, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है हमारे पास में। अब किस गिवर कौन है यहाँ पे, जब हमारे पास कैश और मशीनरी आ गई है तो गिवर कौन है, गिवर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं जा रहा है तो हमको यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट देखना पड़ेगा, नॉमिनल में भी कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर और रिसीवर, रिसीवर तो हो गया यहाँ पे कुछ है नहीं, रिसीवर तो बिजनेस में कैश मशीनरी आ गई, तो गिवर कौन है यहाँ पे, गिवर है यहाँ पे प्रोपराइटर, मीन्स यहाँ पे प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के जब प्रोपराइटर ने यहाँ पे बिजनेस में पैसे लगाए तो यहाँ पे टू प्रोपराइटर हो जाएगा। प्रोपराइटर्स की जगह पे हम यहाँ पे डालेंगे कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। प्रोपराइटर जब कोई चीज़ लाता है बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल से शो करते हैं 15 लाख से। नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है गुड्स परचेज ₹50,000, 50,000 से गुड्स परचेज हुआ। सबसे पहले फिर वही हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज़ किया गुड्स हमने, तो क्या चीज़ हमारे पास में आया, गुड्स परचेज़ किया, गुड्स आया, डेट डालेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन हम यहाँ पे गुड्स की जगह पे हम परचेज डालेंगे क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किया हुआ है। तो परचेज़ किए हुए गुड्स को हम परचेज अकाउंट से मेंशन करते हैं, सेल किए हुए गुड्स को सेल अकाउंट से मेंशन करते हैं, और परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न के नाम से मेंशन करेंगे, सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न के नाम से मेंशन करेंगे, ना कि गुड्स के नाम से। इसका कारण ये है कि जैसे कि हम फ्यूचर में ये बाइफरकेट कर सके, इजीली पहचान सके, पता कर सके कि कितना हमारा साल भर में परचेज हुआ, कितने साल भर में हमारी सेल्स हुई, कितने साल भर में सेल्स रिटर्न हुई, कितने साल भर में सेल्स परचेज रिटर्न हुई। इसलिए हम यहाँ पे केवल गुड्स न डाल करके हम सिर्फ परचेज किया तो परचेज, सेल्स किया तो सेल, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न, परचेज के परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, इस तरह से हम डालेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे गुड्स परचेज किया हुआ है, मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे गुड्स नहीं आएगा, कितना से 50,000 से। नेक्स्ट, अब इसमें क्या जा रहा है हमारे पास से, अब यहाँ पे कुछ मेंशन ही मीन्स नाम भी मेंशन नहीं, तो कैश होता है, तो यानी कि हमने कैश परचेज किया हुआ है तो कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, ओके 50,000 से ये क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, अब आगे कह रहा है गुड्स सोल्ड 90,000 टू मैसर श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी को हमने 90,000 से गुड्स बेचा है। फिर वही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है, गुड्स सेल किया तो गुड्स जाएगा, ये गुड्स जा रहा है हमारे पास से, गुड्स सेल किया और आया कुछ नहीं है, तो जब नहीं कुछ आएगा तो फिर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, श्याम, श्याम को हमने माल बेचा, श्याम विल बी रिसीवर, मीन्स श्याम अकाउंट डेबिट,
जब कुछ नहीं आएगा तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, ये ध्यान रखिए। और अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस मेंशन होगा तो फिर हम एक्सपेंसेस लॉसेस के अकाउंट को अप्लाई कर रूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट में सबसे पहले हम रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई करते हैं, रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई होगा, फिर हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, फिर हमारे पास में लास्ट में पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या चीज़ हमारे पास में आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो जब अब यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किया हुआ है क्रेडिट पे, क्योंकि नाम दिया है इसलिए क्रेडिट पे मानेंगे, ये हमारे पास क्रेडिट में है। और जब नाम नहीं दिया होता है तो उसको हम कैश में मानते हैं। ओके, अब जब हमने क्रेडिट पे माल बेचा तो हमारे पास कुछ आएगा नहीं, तो जब कुछ नहीं आता है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाता है। जब कुछ नहीं आएगा तो सामने वाले पर्सन का नाम डाल देंगे, नाम क्या है, जब कुछ नहीं आएगा तो सामने वाले पर्सन का नाम हम डेबिट की जगह पे डाल देंगे, मेसर्स श्याम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हाउ मच 90,000, ये 90,000। फिर हमारे पास से जा क्या रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, गुड्स जा रहा है, तो टू गुड्स की जगह पे हम क्या डालेंगे, टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको पीछे बताया कि हम खरीदे हुए सामान को परचेज और बेचे हुए सामान को सेल्स के नाम से मेंशन करते हैं। नरेशन इसका हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू मेसर श्याम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री दिया हुआ गुड्स रिटर्न बाय मेसर श्याम्स एंड कंपनी ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो गुड्स रिटर्न अकाउंट हो गया और फिर एक मेसर श्याम्स एंड कंपनी का अकाउंट हो गया। फिर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डेट डालेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे पास में आ रहा है ट्रांजेक्शन बिजनेस में और क्या चीज़ हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो गुड्स रिटर्न हुआ है श्याम्स एंड कंपनी को, जो हमने माल बेचा था उन्होंने वो माल हमको वापस कर दिया है। फिर माल बेचा था वो वापस आ गया, तो गुड्स रिटर्न हुआ, तो ये रिटर्न गुड्स हमारे पास आएगा। तो डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट का ये रूल है। अब डेबिट हम करेंगे गुड्स, गुड्स हमारे पास में वापस आ गया, तो गुड्स की जगह पे हम डालेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स किया हुआ माल हमारे पास में वापस आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड्स ना डाल के सेल्स रिटर्न अकाउंट डालेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 10,000 से, क्योंकि ये हमारे पास में वापस आया। और जा क्या रहा है, जा कुछ नहीं रहा है, जब कुछ नहीं जाएगा तो हम सामने वाले पर्सन का रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर है हमारे पास में श्याम एंड कंपनी, तो गिवर विल बी क्रेडिट टू मेसर्स श्याम एंड कंपनी अकाउंट हाउ मच 10,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री दिया हुआ है सैलरी पेड ₹20,000, यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ रहा है, एक सैलरी पेड अकाउंट है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे, सैलरी का पेमेंट हुआ है, फिर वही देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में क्या चीज़ जा रहा है, क्या चीज़ जा रहा है बिजनेस में। तो यहाँ पे हमारे पास में से कैश जा रहा है, क्योंकि हमने सैलरी पेमेंट किया है, किसी को कैश दिया होगा, तो कैश हमारे पास से यहाँ पे जा रहा है, कैश अकाउंट एक होगा यहाँ पे अलग से, और एक सैलरी पेड अकाउंट है। हमारे पास में आया क्या, आया तो कुछ नहीं, तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस और लॉसेज है। सैलरी पेड ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, सैलरी का पेमेंट हुआ है ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉसेस का अकाउंट है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। देखिए सैलरी का पेमेंट हुआ है, तो सैलरी हमारे पास में एक्सपेंसेस है, इसके लिए इसको हम डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है हमारे पास है कैश, तो जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट वॉट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, कैश टू कैश अकाउंट हाउ मच 20,000, ये 20,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड ₹25,000, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ हमारे पास आ रहा है, क्या जा रहा है। तो आया तो यहाँ पे कुछ आया तो हमारे पास में कैश, रेंट रिसीट वो है इसलिए कैश आ रहा है, तो ये कैश एक यहाँ पे कैश भी अकाउंट है, और रेंट रिसीव्ड ये हमारा इनकम है। ओके, मींस ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाएगा। यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट, रेंट रिसीव्ड क्या चीज़ हमारे पास में आई, रेंट रिसीव क्या, कैश आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिट
सेम वही रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो कैश आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिट. हाउ मच? 25,000. 25,000. और जा क्या रहा हमारे पास? जा तो कुछ नहीं रहा है, मीन्स हमारा. और यहाँ पे क्या है, ये हमको रेंट रिसीव है, हमारा इनकम है. तो इनकम विल बी क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल. क्रेडिट में आएगा टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट. टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट ये हमारा इनकम है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे. हाउ मच? 25,000. गाइस मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि सारे अकाउंट्स के रूल्स आपको यहाँ पे अप्लाई हो सके. इस तरह से मैंने एग्जांपल को ऐसे सेट किया है. उम्मीद करता हूँ कि आपको जेनेट्री में बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स छूटे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई में उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा. और इसके जेनेट्री से रिलेटेड हमने आपको एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, प्लीज़ उसको आप जाके देखिए. गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन आप प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे. थैंक यू.